शनिवार को भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव देवीपुरा का युवक प्रदीप कश्यप लगभग 17 वर्षीय पुत्र प्रीतम सिंह जो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ गांव के पास से गुजर रही ठेला नदी में सुबह 9 बजे मछली मारने गया था। वहां पर मछलियों का शिकार करते समय लगभग 10:30 बजे और नहाते हुए गहरे पानी में चला गया और डूब गया। आसपास के युवकों ने काफी ढूंढा लेकिन प्रदीप का कहीं पता नहीं चला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। भोजपुर थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा मौके पर पहुंचे और जिला मुख्यालय पर सूचना देकर PSC 8वीं बटालियन बरेली की गोताखोरों की टीम को बुलाया गया। PSC के गोताखोरों ने HCP राजाबुल हसन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे में युवक के शव को ढूंढ निकाला। ग्रामीण शव को लेकर गांव पहुंचे, जहां शव को देखकर युवक प्रदीप के पिता प्रीतम, माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रदीप के पिता जो मुरादाबाद में पीतल पॉलिश का काम करते हैं, तो वहीं मृतक युवक प्रदीप, 3 बहनें प्रियंका 20 वर्षीय, खुशबू 15 वर्षीय, नानू 14 वर्षीय इकलौता भाई था जो सबकी आंखों का तारा था। तीनों बहनें और मां का रो रो कर बुरा हाल है। तीनों का रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल है। देवीपुरा गांव में गम का माहौल है। 27 देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी को जैसे ही घटना का पता चला, तुरंत मृतक के घर पहुंचे और गांव में घटना की ग्रामीणों से जानकारी ली। मृतक के परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। मैं SCP रजाउल हसन, 8 होटल में PSC बरेली। क्या घटना हुई, किस घटना पाए आज? हमको RI मुरादाबाद द्वारा को सूचना मिली थी, थाना भोजपुर के अंतर्गत एक बच्चा डूब गया है। हमारी टीम मूडा पांडे में हमारा कैंप है। करीब 10 बजे हमको सूचना मिली, हम 10:30 बजे वहाँ चल दिए। 1 घंटे में लगभग हम बारह पहुँच गए थे और 12 बजे हमने रेस्क्यू चालू किया अपना और कर 3 घंटे हमने रेस्क्यू चलाया। कड़ी मेहनत के बाद बच्चे की बॉडी को क्रॉस कर लिया गया।